हमारा इस बार का जो प्रधानमंत्री है ना, एकदम कमजोर, थका हुआ और डरपोक प्रधानमंत्री है। मतलब अपने ही देश की जनता से जो आदमी डर लगता हो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते थे ना, जिसकी भी गांड फट रही है भारत में वो पाकिस्तान चला जाए तो मैं 500 रुपल्ली देता हूँ। जिसकी भी गांड फट रही होगी ना भारत में, वो निकल ले धीरे से पतली गली और पहली फुर्सत में पाकिस्तान। विनय दुबे एक जन प्रतिवादी युवक, जे अपनी जाके गरीबेर बाप माओ बोलते पारें, যখন কোনো মানুষ বিপদে পড়ে ঠিক দেখবেন তাদের পাশে চলে যায়, তাদেরকে সাহায্য করে, নিজের যতটা থাকে সাহায্য তো করেই করে এবং কিছু পয়সা নিয়ে ওই গরিব মানুষের হাতে তুলে দেয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে, কারু তাবেদারি করে না, কারু গোলামতি করে না, কারু পায়ে ধরে না। কোনো রাজনীতির নেতা যদি অন্যায় করে থাকে, অপরাধ করে থাকে, বিনয় দুবেকে কিন্তু চুপ করাতে পারে না। সেই বিনয় দুবে আমি একজন বাঘ মনে করি এই যুবককে। এই যুবক বিনয় দুবে সে উত্তরপ্রদেশ ভোট নিয়ে এবং বাংলার ইলেকশন নিয়ে এবং পাঞ্জাবের ঘটনা নিয়ে যেই কথাগুলো বলেছে, আপনারা বিনয় দুবের কথা শুনুন, ভিডিওটি শেয়ার করুন और अपना दर मतामत कमेंट है जनाबे। सर, जैसे कि आज 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे जिनकी तारीखें भी आज पड़ गई और हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पे है, तो इससे क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा सर? हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है ना, फुल हो रहा है हिंदू मुस्लिम, और चुनाव भी और करेगी क्या यार? एक बात बताना, हो झाटुओं के पास क्या मुद्दा है? वो कौन सा स्कूल का जाके दिखा देंगे कि ये स्कूल हमने बनवाया है? वो कौन सा नया हॉस्पिटल दिखा देंगे कि ये हॉस्पिटल हमने बनवाया है? सब अखिलेश यादव या पुराने जिस सरकारों ने बनाई है उसका फीता पाट काट के अपना नाम लगा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। अबे पड़ोसी के बच्चों को कितना भी फूल माला पहना दो, दूसरे का ही बच्चा होगा, खुद का बच्चा पैदा करने के औकात नहीं है तो दूसरे को ही अपना ट्रॉफी दे के पापा बुलवा लो, उसी में खुश हो रहे हैं। वैसी ये सरकार है। योगी आदित्यनाथ आज तक के इतिहास में सबसे हारे हुए असफल मुख्यमंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश ने देखा। एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का जिसकी भगवा उड़े महंत हुआ एक मुख्यमंत्री के राज्य में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने नोचा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस घरों में मौतें हुई है ना, वो कभी जिंदगी में भाजपा को वोट नहीं देगा। जिन घरों के लड़कों ने नौकरियों के लिए लखनऊ में लाठियां खाई है ना, वो कभी जिंदगी में भाजपा को वोट नहीं देगा। और ये जो इतिहास है, जो काला इतिहास है, कलंकित इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, कि हिंदुओं की सरकार बोल बोल के हिंदुओं के ही लौड़े लगा दिए, अब वो कभी वापसी कर ही नहीं सकते हैं, ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो सर, मैं आज 9 जनवरी में आपका वीडियो रखेगा, आप बहुत बड़े तथ्य से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चेहरा घोषित नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी की आंकड़ा नहीं पार कर रही है। भाई तुम मेरा वीडियो संभाल के रखना, आज तक की मेरी गणित कभी फेल नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ये कल वाला जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया ना, डेट्स वगैरह कब आएगी, ये चीज मैंने 1.5 महीने पहले ही अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे डाल दिया था कि ये तारीखों को घोषणा होगी, जबकि कहीं कोई चर्चा नहीं है। बंगाल चुनाव के पहले मैंने लिख दिया था, पटाखे फोड़ दिए थे कि ममता बनर्जी 200+ है, कोई हरा ही नहीं सकता। कोई माइके लाल में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो ममता बनर्जी को वहां पे हरा दे। तो सर, जैसे मैं आज आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आज 4 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, टीवी चैनल भी दिखा रहे, कभी लोगों के मुंह से बोला जाता था भारतीय जनता पार्टी की जिसको डर लग रहा है वो पाकिस्तान चला जाए, तो मोदी जी खुद अपने मुंह से बोले कि मैं जिंदा बच के आया हूं, मतलब उनको भी 56 इंच का जो छाती था आज उसको डर लग रहा है इंडिया में। मैं हमेशा से करते आया हूं कि ये हमारा इस बार का जो प्रधानमंत्री है ना, एकदम कमजोर, थका हुआ और डरपोक प्रधानमंत्री है। चाइना हमारे यहाँ पे जब घुस के आया था गलवान घाटी में, तब भी मैंने घोषित कर दिया था कि इस आदमी की, इस प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि चाइना को लाल आंख दिखा दे। मतलब अपने ही देश की जनता से जो आदमी डर लगता हो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते थे ना, जिसकी भी गांड फट रही है भारत में वो पाकिस्तान चला जाए तो मैं 500 रुपल्ली देता हूँ। जिसकी भी गांड फट रही होगी ना भारत में, वो निकल ले धीरे से पतली गली और पहली फुर्सत में पाकिस्तान।
मेरे को चीज समझ में नहीं आती भाई, हमने आखिर क्या मोल लिया है, हमने खतरा मोल लिया है क्या? कि जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से, कभी हिंदू में खतरा हो जाता है, हिंदू खतरे में आ जाता है, कभी नौजवान खतरे में आ जाता है, कभी दलित खतरे में आ जाता है, कभी बेरोजगार खतरे में आ जाता है, कभी खुद प्रधानमंत्री खतरे में आ जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता साला हमने खतरा मोल लिया है कि सरकार चुनी थी। तो सर अभी चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है उत्तर प्रदेश खास के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बकायदे से एकदम सुशासन की सरकार हो, वहाँ पे अच्छे से लोग नौकरी करें, लड़कों के हाथों में तलवार नहीं लैपटॉप हो, बच्चों के हाथों में सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान की गंदगी ना हो के कलम हो, आपका लड़का ये दल वो संगठन का आंदोलनकारी बन के जेल जाने से अच्छा आईपीएस आईएएस बने, साइंटिस्ट बने, तो भारतीय जनता पार्टी को गटर में दफनाइए और कोई दूसरी सरकार चुनिए, चाहे जिसे वोट दीजिए। एक खुजली वाले सड़क पे ना कुत्ते को वोट दे देंगे तो भी आपका सम्मान बचा रहेगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन के सामने बटन दबाते हैं ना, तो आपसे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब देश से गद्दारी। राजा फैशन कलेक्शन, एखाने आधुनिक डिजाइन नित्य नतून जीन्स पैंट टी शर्ट जूतो पंजाबी लहेंगा एछाड़ो थाकछे ধনিয়াখালী তাঁত বাচ্চাদের এবং বড়দের শীতের পোশাক। আমাদের ঠিকানা পূর্ব ভগবতীপুর খালসেরা চক মোড় হুগলি। আজই কল করুন 9344231502 অথবা 6381320744 নম্বরে। তাহলে আর ভাবছেন কেন, আজই আসুন আমাদের শপে রাজা ফ্যাশন কালেকশন। এখানে আধুনিক ডিজাইনের নিত্য নতুন জিন্স প্যান্ট টি শার্ট জুতো পাঞ্জাবি লেহেঙ্গা এছাড়াও থাকছে ধনিয়াখালী তাঁত বাচ্চাদের এবং বড়দের শীতের পোশাকও। আমাদের ঠিকানা পূর্ব ভগবতীপুর খালসেরা চক মোড় হুগলি। আজই কল করুন 9344231502 অথবা 6381320744 নম্বরে। তাহলে আর ভাবছেন কেন, আজই আসুন আমাদের শপে।